हेलो स्टूडेंट्स, पैथोलॉजी वाले सेक्शन में आज जो हम डिजीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो है रेड रॉट ऑफ शुगर के। पिछले वीडियो में हमने रेड रॉट ऑफ शुगर के इनके इंट्रोडक्शन, पैथोजन की सिस्टमेटिक पोजीशन तथा सिम्टम्स की बात की, स्टॉक सिम्टम्स की एंड लीफ सिम्टम्स की बात की। ठीक है, और आज के वीडियो में हम इसकी हिस्टोपैथोलॉजी, इटियोलॉजी, इनकी सेक्सुअल और एसेक्सुअल स्टेज व डिजीज मैनेजमेंट की बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी इटियोलॉजी। जैसे पहले भी बताया था कि रेड रॉट ऑफ शुगर केन बीमारी का जो पैथोजन है वो कोलिटोट्राइकम फैल्केटम है और यह ड्यूटेरोमाइसिटिस का मेंबर है। तो इसकी परफेक्ट और इम्परफेक्ट दोनों स्टेजेस ही रिपोर्टेड हैं। जिसकी परफेक्ट स्टेज है उसको ग्लोमेरुला टिकोमेनेंसिस कहते हैं। इस पैथोजन की जो परफेक्ट स्टेज थी सबसे पहले 1944 में रिपोर्ट की गई और इंडिया में इसकी परफेक्ट स्टेज चोना तथा वजाज ने 1953 में रिपोर्ट की। दिल्ली की जो शुगर केन फील्ड थी वहाँ से इन्होंने रिपोर्ट की। यह एक पैरिथीसियल फंगस है और इसके जो पैरिथीसिया होते हैं वो लीफ लैमिना तथा लीफ सीड पर ही विकसित होते हैं। इनकी परफेक्ट स्टेज को ग्लोमेरुला टिकोमेनेसिस नाम दिया गया है, यानी कि ये एस्कोमाइसिटिस का मेंबर रहा। जो इसकी जो सेक्सुअल स्टेज है वो एस्कोमाइसिटिस को मैच करती है और पैरिथीसियल फंगस है। प्रत्येक पैरिथीसियम में अनेक ऑक्टास्पोर सिलेंड्रिकल एसाई होते हैं, एस्कस होते हैं, जिसमें 8 एस्कोस्पोर्स होते हैं और प्रत्येक एस्कोस्पोर यूनिसेलुलर राउंडेड स्ट्रक्चर होता है। एसआई के बीच में मिले जुले कुछ अनब्रांस सीटी पैराफाइसिस भी पाए जाते हैं। तो आज हम इसकी परफेक्ट स्टेज के बारे में तो हमने बात की, बात करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी की, एंटीजीज साइकिल की। ये पैथोजन एक एंडोपैरासाइट है और इसका माइसीलियम जो होता है वो इंटरसेलुलर तथा यूकार्पिक होता है। यह माइसीलियम कहीं कहीं पर घने हाइफल मैट्स बनाकर स्ट्रोमा बना लेता है। इस प्रकार से दिखाई देंगे इसके स्ट्रोमा, देखिएगा ये रहा। ये वाला जो पोर्शन है स्ट्रोमल, ये वाले स्ट्रोमा हैं जो हाइफल मैट्स हैं और इससे अनेक छोटे छोटे ये स्टम्पी निकल रहे हैं। ये कोनिडियोफोर हैं, ये कोनिडियोफोर हैं, ये पूरे कोनिडियोफोर के गुच्छे बनते हैं। प्रत्येक कोनिडियोफोर अपने एपेक्स से यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट फैल्केट, ये देखिए ये जो स्ट्रक्चर है कोनिडिया जो हसिया के आकार के होते हैं, फैल्केट स्ट्रक्चर बनाता है जिन्हें कोनिडिया कहते हैं। और प्रत्येक कोनिडिया में एक ऑयल ड्रॉप होती है जो इसके, इसको हम रिजर्व फूड मटेरियल मान सकते हैं। और कोनिडियोफोर के बीच बीच में मिले जुले मल्टी सेलुलर सीटी पाए जाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है वो सीटी के हैं, देखिएगा। तो ये स्ट्रक्चर हम हिस्टोपैथोलॉजी के अंतर्गत दे सकते हैं इस डायग्राम को। ये दिखाया गया है कोनिडियोफोर, इससे ये फैल्केट स्ट्रक्चर बने कोनिडिया, कोनिडिया इस प्रकार से दिखाई देंगे फैल्केट स्ट्रक्चर। किस प्रकार से पैथोजन एंट्री करता है, जिससे कोनिडिया जो होते हैं कैसे जर्म ट्यूब द्वारा एपिसोरियम बनाकर, ये जो कोनिडिया है इसका जर्मिनेशन है ये कोनिडिया, इससे जर्म ट्यूब बनी, एपिसोरियम नामक स्ट्रक्चर है जो एंटर करने के समय बनता है, मोड ऑफ इन्फेक्शन के समय बनता है। तो इस प्रकार बने जो कोनिडिया हैं वो जब फ्री हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं,
तो वायु, जल या इंसेक्ट द्वारा डिस्पर्स होते हैं और यही पैथोजन की एसेक्सुअल स्टेज है। एसेक्सुअल स्टेज जो कोनिडियास में हम दिखाई देते हैं। हम बात करने जा रहे हैं डिजीज साइकिल की। चोना नामक साइंटिस्ट और नारायणी दो साइंटिस्ट हुए जिन्होंने इस की लाइफ हिस्ट्री को स्टडी किया। चोना ने 1950 में और नारायणी जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने 1952 में बताया कि यह पैथोजन सॉयल में सेप्रोफाइट की तरह सर्वाइव करता है और इतना ही नहीं बल्कि यह मिट्टी में क्लेमाइटोस्पोर के रूप में भी सर्वाइव कर सकता है। यह स्पोर लंबे समय तक सॉयल में सर्वाइव कर सकते हैं, परंतु इंडिया में इनका पेरिफेरल स्टेज में पाया जाना बहुत मुश्किल है। देखिएगा, अगर हम डिजी साइकिल को देखें ऑक्टास्पोर एस्कस है, इसके अंदर से एस्कस स्पोर्स निकले, रेनी सीजन दिखाया है। इस तरीके से जो इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन आया, देखिएगा इसमें जर्मिनेट करके नया माइसीलियम बनाते हैं, कोनिडिया बनाते हैं कि एक सेक्सुअल स्टेज और सेक्सुअल स्टेज इसकी बन सकती है। कि इस डिजीज़ को फैलाने में हाई ह्यूमिडिटी और जो पुअर वाटर ड्रेनेज होता है वो ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। फील्ड का सैनिटेशन ना हो, साथ ही साथ हम एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है करने की फसल में टेड़ी छोड़ना, वो इस डिजीज़ का मुख्य कारण है। रेटून क्रॉपिंग जो होती है इस प्रकार हम देखें डिजीज साइकिल को, तो जो एस्कोस्पोर्स होते हैं उनका एक प्रकार से जो डिस्पर्सल या हम इसको स्प्रेड बोल सकते हैं वो वायु और वर्षा के जल द्वारा होता है। और ये जो डिस्पर्स्ड स्पोर्स हैं वो शुगर के इनको इन्फेक्ट करते हैं। जो इन्फेक्शन जो होता है वो रूट्स के द्वारा होता है और स्टॉक पे पाए जाने वाले जख्म वुंड्स द्वारा होता है। एक बार इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके बाद जो ओवर विंटर ये पैथोजन डेब्रिज वो जो कूड़ा करकट या मलबा होता है स्टॉक होता है उस पर स्टे करता है, पैरिथीसिया बनाता है स्टॉक के सरफेस पर और ये पैरिथीसिया से फिर से एस्कोस्पोर निकल कर लाइफ साइकिल को रिपीट करते हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं फर्स्ट साइकिल एंड सेकेंड साइकिल। प्लांट डेब्रिज पर जो डिजीज स्टॉक हैं उस पर माइसीलियम होस्ट इन्फेक्शन हुआ, फिर इस पर एसिड ब्लास से कोनिडिया बने, कोनिडिया से फिर से इन्फेक्शन हुआ। जो डॉर्मेंट फेज होती है वो डेवरेज वाली होती है, एक्टिव फेज में कोनिडिया बनते हैं। तो इस प्रकार से हम इसकी डिजीज साइकिल को डिस्कस कर सकते हैं। जहाँ तक इस पैथोजन के जीवित रहने का और डिजीज फैलाने का सवाल जो है वो है कि यह डिजीज सबसे अधिक जो डिजीज सेट जो होते हैं जिसे हम सीड बोलें स्टेम ऑफ पीस के माध्यम से ही फैलती है। जैसे हमने देखा डिजीज साइकिल से यदि पहला इन्फेक्शन जो होगा वो कोनिडियम के माध्यम से क्षति द्वारा होता है, इनकी कोई भी इंजरी द्वारा उसके द्वारा एंटर करेगा और धीरे धीरे माइसीलियम स्टेम के ग्राउंड टिश्यू तथा वस्कुलर टिश्यू को भी इन्फेक्ट कर देता है। इस प्रकार हमने इसकी डिजीज साइकिल देखी। अब हम पढ़ेंगे इसके डिजीज मैनेजमेंट के बारे में। हाँ, एक नज़र इस कोनिडिया पर डालते हैं। अगर हम स्लाइड में कोनिडिया को नेचुरल फॉर्म में देखें तो कोनिडिया इस प्रकार से दिखाई देंगे। कोलेटोट्राइकम फैलकेटम के इसे फैलकेट होते हैं। ये ओरिजिनल स्लाइड का फोटोग्राफ है। अब हम
पढ़ेंगे इस डिजीज़ के मैनेजमेंट के बारे में। तो डिजीज़ मैनेजमेंट में हम देखें जो डिजीज़ कंट्रोल है, तो उसके लिए कल्चरल मेथड हो सकते हैं, फिजिकल मेथड भी इसमें कारगर हैं, केमिकल मेथड भी कारगर हैं। प्रिवेंटिव मेथड में जैसे रेसिस्टेंट वैराइटीज़ का उपयोग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिएगा एक एक करके अब इनको हम पढ़ेंगे। कल्चर मेथड, कल्चर मेथड में जो कारगर स्टेप्स हो सकती हैं, क्रॉप रोटेशन हमें करना चाहिए, फसल चक्रण करने से भी इस बीमारी को कंट्रोल करने में हमें काफ़ी मदद मिलेगी। फील्ड सैनिटेशन, खेत की सफाई, फील्ड सैनिटेशन का मतलब खेत की सफाई, और जो फॉलन डिजीज लीफ शुड बी कलेक्टेड एंड बर्न। इसमें क्या करना होता है हमें खेत की सफाई में, जो पिछले वर्ष के जो भी डिजीज़, कूड़ा करकट, मलवा, पत्तियाँ, स्टॉक होती हैं, उन्हें कलेक्ट करके जला देना चाहिए, गहरे गड्ढे में दबा देना चाहिए। और हमें जो नए पौधे लगाने के लिए डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल को यूज करना चाहिए। रेटोनिंग शुड बी डिस्करेज्ड, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसका कंट्रोल मेथड है। रेटोनिंग शुड बी डिस्करेज्ड। रेटोनिंग आखिर क्या होती है, जिसे हम पेड़ी लगाना बोलते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है रेटोनिंग का। रेटोनिंग का मतलब क्या होता है, एक्चुअल में जब शुगर केन की फसल लगाई जाती है, क्योंकि हमारे जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का पार्ट इसमें होता है उसका स्टेम होता है, तो एक बार फसल लगाने के बाद हम उनके स्टेम को काट लेते हैं और जड़ों को छोड़ देते हैं, जिनको हम बोलते हैं पेड़ी लगाना या रेटोनिंग। तो यदि बाई चांस कोई इन्फेक्शन रूट्स में है और हम उसको दोबारा से हम फसल बनाना चाहते हैं, तो वो इन्फेक्शन सर्वाइव करता है। तो पेड़ी जो छोड़ना है वो एक गलत परंपरा है, अगर हम डिजीज मैनेजमेंट के बेस पर देखें तो हमें इस प्रथा को समाप्त कर देना चाहिए। रिमूवल ऑफ कोलेटर होस्ट, आसपास जितने भी इसके कोलेटर होस्ट होते हैं उनको हटा देना चाहिए। और हमें रेसिस्टेंट वैराइटीज जैसे CO 244, CO 62399, CO 62101, CO 1336, CO 1261 इत्यादि का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट मेथड आता है कोलेटरल होस्ट ऑफ रेड होस्ट, रेड रॉट। रेड रॉट के जो कोलेटरल होस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, उन्हें हटाने से पहले हमें उनकी जानकारी होनी चाहिए। देखिएगा सॉर्गम वल्गेयर, सॉर्गम हेलीपेंस हैं, सेक्रम स्पॉन्टेनिकम, लेप्टोकोला, फिलीफॉर्मिस एंड मिसकेंडस, मिसकेंथस इत्यादि जातियाँ इसकी कोलेटरल होस्ट की होती हैं। फिजिकल मेथड में हम क्या यूज कर सकते हैं, हॉट वाटर ट्रीटमेंट दे सकते हैं इनको। हॉट वाटर ट्रीटमेंट लगभग 52 डिग्री सेंटीग्रेड का दिया जाता है 18 मिनट के लिए। एरेटेड स्टीम 3P दे सकते हैं, जो सेट्स हैं, जो बीज हैं हम बोने जा रहे हैं उनको 52 डिग्री सेंटीग्रेड पर 4-5 घंटे के लिए हमें स्टीम देना होगा। हॉट एयर ट्रीटमेंट में सेट्स को हॉट एयर ट्रीटमेंट से हमें हॉट एयर ट्रीटमेंट अप्लाई करना होता है 54 डिग्री सेंटीग्रेड का, वो भी 2 घंटे के लिए होता है। तो इस प्रकार से ये फिजिकल मेथड हम डिजीज कंट्रोल में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल मेथड की। सेट्स को बोने से पहले इथाइल मिथाइल क्लोराइड के 0.25% सॉल्यूशन में 5-10 मिनट के लिए हमें ट्रीट करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हम कार्बनडिजियम से भी और थीरम द्वारा भी सेट को बोने से पहले ट्रीट कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने रेड रॉट डिजीज के कंट्रोल मेथड के बारे में पढ़ा।